10 ग्राम पूरा देवी से बगैर। ये ओरिजिनल सलादी थे आपके पास? बिल्कुल जी। अच्छा, क्या रेट है इसका? अरे क्या रेट है इसका? 700 का 10 ग्राम। अच्छा, 700 का 10 ग्राम आपके, ठीक। ये गारंटी है क्या ओरिजिनल है? बिल्कुल। ये कितने का? ये अस्सलाम वालेकुम माँ जी। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? ठीक ठाक हूँ। ये आपकी शॉप है? उन उर्दू नहीं आता भैया। अच्छा, उर्दू नहीं आता। ये क्या चीज़ है? ये लोबान है सर, घर में खुशबू के लिए इसको जलाते हैं। अच्छा, घर में खुशबू के लिए इसको जलाते हैं। और ये वाला? ये खांसी के लिए भैया। ये खांसी के लिए? खांसी हो, निमोनिया हो, बुखार हो, इसके लिए ना उसको खूब इसके ग्रीन टी बनाते हैं। अच्छा, इसकी ग्रीन टी बनाते हैं। हाँ। और ये मकामी जड़ी बूटी है? कोई मकामी है लेकिन ज्यादातर नहीं होती है यहाँ पर, बहुत कम बनाते हैं। फिर ये कहाँ पर होती है? ये ज्यादातर इलाके गैब में होती है। अच्छा अच्छा, इससे आफिम भी निकलती है। ठीक। इसका सीड ये क्या है? सी बकथ्रोन। सी बकथ्रोन ये एक खास है जड़ी बूटी है, हाई ब्लड प्रेशर के लिए मखसूस। अच्छा, कैंसर का असर नहीं होती है। ठीक है। ये कैप कितने? मेरे पास ये कैप कितने की है? ये वाला 500 की है, नीचे वाले 400 की है। ये वाली वाला? ये वाली नहीं, ऊपर वाला। ये वाली 400 की है। अखरोट क्या रेट है? ये 400 रुपये से। ये कितना होता है इसमें? इसमें कितना केजी? कितना है? एक केजी? हाफ केजी, एक केजी होता है। अच्छा, हाफ केजी। ये वाला 400 का? ये 200 के 200 का, मतलब एक के जी जो है 400। ठीक हो। और ये खुश खुबानी जो है, ये वाले ये 200 का पैकेट है। इसका कितना के जी? 200 का हाफ के जी। और ये अखरोट? ये 350 का, 250 ग्राम है सर। 250 ग्राम 350 का। अच्छा, ये शहतूत है खुशक की? अच्छा, ये ब्लैक वाले? और ये मिक्स फ्रूट है ऐसे? और बादाम क्या रेट है? बादाम मुख्तलिफ है सर। अच्छा, सबसे अच्छे वाला कितने? सबसे अच्छा 900 रुपये के, 900 रुपये किलो। ठीक है। ये क्या चीज है? ये पराठा है दोस्त। अर्जू। ये किस किस्म का पराठा है? क्या ये बस लोकल पराठा है, अंडे से बनाया है, अंडा मिक्स करके सारा कुछ। बड़ा मज़ेदार है, मैंने खाया। अच्छा, ये खाएं। और इनका एक और ट्राई करें, वो है क्या है? ममतू। ममतू ममतू। और ये अच्छा, ये अर्जू का। अच्छा, इसमें अंडे अंडा गूंधते वक्त अंडा दूध और तेल मिक्स करके वो जब को बनाते हैं, उसके बाद 4 या 5 घंटे इसको बेक कर लेते हैं, इसके बाद सुबह ये बनाते हैं। इसके रात को इसकी डफिंग होती है। ठीक है। इसके अलावा आपका क्या फेमस है? इसके अलावा ये 3 चीज़ें मेन चीज़ें मैं बना रहा हूँ यहाँ पे। इसके अलावा समोसे होते हैं, वो भी बहुत फेमस है, पूर्व पाकिस्तान से लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। इसके अलावा इंटरनेशनल भी बात है और अंग्रेज भी ज़्यादा पसंद करते हैं।
उसके अलावा क्या मंतू है। अच्छा। ये मतलब तीनों चीज़ें इंतहाई फेमस है। अच्छा, जैसे बराबर में बाजी का अपने खाने पसंद है और यहाँ के लोगों में मतलब दो चीज़ें, एक फास्ट फूड एक लोकल फूड साथ में मिलते हैं। और यह एक जगह ऐसी है कि यहाँ पे आपको ऑर्डर बनाने तक शाम के हैंडीक्राफ्ट है, ड्राई फ्रूट है, पिज्ज़ा है और पसंदी फूड है, एक जगह पर आपको मिल सकती है। ठीक हो गया। और ये बताएं कि जो ममतू आप कह रहे हैं उसमें क्या, वो कैसे बनता है? उसमें मतलब ये ममतू का जो लोकल जो इसके रेसिपी वो बीफ में होता है। अच्छा। बीफ में मतलब अगर किलो गोश्त या तो आधा किलो उसमें चर्बी भी लगती। अच्छा। है, लेकिन ये चीज़ हम नहीं कर रहे हैं। इसको ज़रा हट के मतलब दूसरों से हट के हम चिकन का बनाते हैं। जो हमारे जो कस्टमर है उनके डिमांड पर हम चिकन का बनाते हैं। ठीक हो गया। अगर में कौन कौन सी डिश जो है मशहूर है, जैसे टोटल हुजा में कौन सी डिश ज़्यादा मशहूर है? ज़्यादातर यहाँ पे जो ज़्यादातर जो सुनने में आ रहा है जो मतलब उसमें छपछर ज़्यादा चलता है। छपछर चलता है। हमारा मेरा नाम इकबाल है और मेरा ये आईडी है इकबाल सपू। ठीक है इकबाल, मेरा शुक्रिया। पेज भी है। अच्छा, कौन सा पेज? सपू फूड्स के नाम पर मेरा पेज है। अंकल जी ये रेडीमेड है, हाथ से बना है। अंकल ये जो है जी ये हाथ से तैयार किया है, मशीन पे तैयार हुआ कैसे? ये मशीन पे तैयार हुआ। अच्छा अच्छा, क्या प्राइस है इसकी? ये 1200 रुपए का है। 1200 रुपए। यहाँ गाड़ी भी ऊपर इजीली आ सकती है। तो अस्सलाम वालेकुम। ये छाप शुरू है। छाप शुरू जी। सामान जो। अच्छा अच्छा, छाप शुरू ये फेमस है हमजा का? ये वाला ये तो स्पेशली ये नगर वैली का है ना, लोकल डिश है। ये कहाँ का है? नगर वैली का। नगर वैली का जी। चले, थैंक यू सो मच। अगर आप रास्ते में थक जाएं तो यहाँ पर बैठ सकते हैं। ये सीढ़ियाँ बनाई हैं पत्थरों से। ये सामने बादल देखे पहाड़ों से नीचे आए हुए हैं। बस ये अभी ईद का मौसम थोड़ा लेट है, लेट है। ये लेट पड़ता है सितंबर अक्टूबर के महीने में जो ना ईद को हम लोग गिराते हैं। सही। तो आजकल कौन कौन सा फल तैयार है यहाँ पे? चेरी का सीज़न है और शहतूत का सीज़न है, उसके बाद फिर खुबानी का सीज़न आएगा। अभी खुबानी पकने वाली है हम करीब। और कैसा लगा यहाँ हमदा का मौसम आपको? बहुत अच्छा लगा। यहाँ के जो सबसे बड़ी बात हमें लगी कि लोग बहुत मेहमान नवाज हैं इंशाल्लाह। और जहाँ भी गए लोगों ने बड़ा हमें तावन किया हमारे साथ। ठीक सर। बड़ी उन्होंने मेहमान नवाजी की है। ठीक है, बड़े अच्छे अखलाक के साथ पेश आए और ये हमें हमजा की सबसे अच्छी बात लगी। बिल्कुल सर, अखलाक रहो तो फिर इंसानियत ही ना सर। जी जी बिल्कुल। आप जब इधर आते हैं तो हमें रौनक होती है। सलाम कर दें सबको। सलाम। ठीक, बहुत शुक्रिया। थैंक यू।
अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। बहुत प्यारा आपका शहर है, आप इधर के मुकामी हैं? जी। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आके। हम लाहौर से आए हैं और सबसे बड़ी आप लोगों की मेहमान नवाजी बहुत अच्छी है, बहुत शुक्रिया। ये काफ़ी ऊपर जा रहा है रास्ता और दिखाते हैं आपको आगे भी इंशाल्लाह। ये सारे जो मकान हैं ये पत्थर से बने हैं। यहाँ हुंजा में एक अभी हम कैफ़े पे आए थे तो पता चला कि ये जो कैफ़े है ये एक खातून चलाती हैं, इनका जो सारा गुजर बसर होता है वो इसी कैफ़े के ऊपर होता है। हेलो, ऐसे क्या ले? कोई पैगाम देना चाहे लोगों को आप? हाँ, लोगों को ये पैगाम है, यहाँ ख़वातीन, हमारा इलाका बहुत अच्छा है इसलिए ख़वातीन मेहनत कर सकते हैं, यहाँ के लोग भी अच्छे हैं, जगह अच्छी है, और किसी और जगह में कर नहीं सकते हैं, बुलाते हैं, बाहर लंदन में भी बुलाया है, हम मैं नहीं गई हूँ, यहाँ पे लाहौर इस्लामाबाद में भी खोलने के लिए डिमांड देते हैं, मैं नहीं करते हैं, हमारे इलाका से अच्छा कोई जगह नहीं होता है, लेकिन यहाँ हम ख़वातीन बहुत मेहनत करते हैं यहाँ, क्योंकि यहाँ के लोग अच्छे होता है, जगह अच्छी होती है, इसलिए काम कर सकते हैं, हम ख़वातीन बहुत मेहनत करते हैं लोगों की पढ़ाई के लिए, और यहाँ कोई अनपढ़ बेघर लोग नहीं है, यहाँ आपको खुराक खाएंगे हर चीज़ ऑर्गेनिक मिलेगा, खाने में भी और फ्रूट में भी, जो भी कुछ भी खाएंगे अच्छा फ्रूट आपको मिलेगा, लेकिन यहाँ कोई बीमारी भी नहीं होती है, चीज़ खाने से लोगों को उम्र लंबी हो जाती है, सेहत अच्छी होती है। शुक्रिया। कैसा लगा आपको प्रोजेक्ट? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। हाँ जी, बाकी जब कंप्लीट होगा इंशाल्लाह, इंशाल्लाह आप विजिट करें। हाँ जी ठीक। ये नया होटल बना रहे हैं और बहुत खूबसूरत है, और ये देखें नीचे पत्थरों का जो है बैठने की जगह है बनाई, बेंच बनाए, टेबल वगैरह पत्थरों के, और बहुत ज़बरदस्त है। इंशाल्लाह जब ये कंप्लीट कर लेंगे तो इंशाल्लाह इनके पास आएंगे और देखेंगे इनकी जो है।